नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमाचल टीवी में। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हिमाचल की ताजा खबरें जानने के लिए हिमाचल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी हम बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर, तो चलिए शुरू करते हैं। अटल टनल में हुई ताजा बर्फबारी, दो नेशनल हाईवे समेत 45 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश के अटल टनल में शुक्रवार को लगातार बर्फबारी हो रही है। रोहतांग दर्रा व बारालाचा में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से नेशनल हाईवे 505, ग्राम्फू से लोसर, नेशनल हाईवे 3, दारचा से सरचू समेत 45 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रदेश भर में 164 बिजली के ट्रांसफार्मर भी ठप हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में लोगों को बिजली के बिना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 दिन से खराब चल रहे मौसम से जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में दुश्वारियों के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के कारण अटल टनल में निगम की बसों के साथ पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पुलिस ने सिर्फ स्थानीय लोगों को 4x4 वाहनों की अनुमति दी है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से कुल्लू मनाली के विंटर सीजन को बढ़ावा मिले। 6 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्व अनुमान है। राजधानी शिमला में ठंडक बढ़ गई है। जलोड़ी दर्रा के साथ माता बूढ़ी नागिन के कपाट 5 माह के लिए बंद कर दिए गए हैं। अटल टनल पर गुरुवार को भी बर्फ के फाहे के रूप में हल्की बर्फबारी होती रही। गुरुवार और शुक्रवार की मध्य रात्रि में अटल टनल पर भारी बर्फबारी हुई। और अभी हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। जवाहर नवोदय विद्यालय में 21 छात्र कोरोना संक्रमित, जारी रही परीक्षाएं। देश में कोविड-19 के अब तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच जिला उन्ना में भी कोविड-19 ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय में 21 छात्र छात्राओं को संक्रमित पाए जाने की पुष्टि की गई है। हालांकि इससे पहले इसी स्कूल में 9 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सभी छात्रों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं स्कूल को भी 48 घंटों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। हालांकि इसी स्कूल में चल रही परीक्षाओं को जारी रखने का फैसला लिया गया है। संक्रमित पाए गए स्टूडेंट के संपर्क में आए लोगों की भी सैंपलिंग को लेकर अभियान तेज किया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश के कर्नाटक और राजस्थान में संक्रमण के अब तक के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी वेरिएंट से जूझ रहे दुनिया भर के 11 देशों से ट्रैवल कर रहे लोगों के एयरपोर्ट पर ही सैंपल लिए जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।